8 साल की बच्ची के साथ रेप करने वाले आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान किया गिरफ्तार। आरोपी के पैर में लगी गोली। दो दिन पहले देर रात थाना शिकोहाबाद क्षेत्र के एक मोहल्ले में 8 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को एक व्यक्ति के द्वारा अंजाम दिया गया था, जिसको लेकर थाना शिकोहाबाद पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। वहीं पुलिस 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटनाओं को लेकर सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही थी और इस घटना को लेकर 3 टीमों का गठन भी किया गया था, लेकिन अब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस घटना को लेकर एसपी ग्रामीण अखिलेश भदौरिया का कहना है कि पुलिस इस घटना को लेकर आरोपी की तलाश कर रही थी। पुलिस को लगा कि आरोपी यहीं घूम रहा है, उसे रोकने का प्रयास किया गया तो उसने पुलिस पर फायर कर दिया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लगी है, जिसका इलाज सरकारी ट्रामा सेंटर में किया जा रहा है। पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? देखिए, यहाँ थाना शिकोहाबाद में अभी गश्त के दौरान जब शिकोहाबाद थाना पुलिस यहाँ बम्बा किनारे जो आमरी रोड है इस पर गश्त कर रही थी, इधर ही इनको सूचना मिली थी कि जो कल एक घटना हुई थी थाना शिकोहाबाद में, जिसमें एक बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी, उसमें पुलिस कल से लगातार प्रयासरत थी। तमाम सीसीटीवी फुटेज और उसके आधार पर उसमें एक व्यक्ति की पहचान पुलिस के द्वारा की गई थी, जिसको जो विक्टिम से भी देख पाया गया था उसने भी उसकी पुष्टि की थी, जिसका नाम दीपक उर्फ मुल्ला के रूप में उसकी पहचान हुई थी, जिसकी पुलिस बहुत ही सरगर्मी से तलाश कर रही थी। सूचना मिली थी कि वो इसी क्षेत्र में कहीं छिपा हुआ है। इस दौरान पुलिस जब यहाँ से गुजर रही थी तो अचानक उसको देख के पुलिस ने जब उसको रोकने का प्रयास किया तो उसके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया है। पुलिस के द्वारा जवाबी फायरिंग में वो इंजर्ड हुआ है, उसे तत्काल यहाँ से उपचार के लिए भिजवाया गया है। बाकी से अभी और विस्तार से उसे पूछताछ की जाएगी। थैंक यू।